Class fifth, welcome to your English class, boys. So this is your fourth, ma'am. Who welcomes you all in your English class? So children, today we are going to discuss the exercises of chapter number third of your roots and wings. That is my elder brother. All right. This video is part two. Okay. In the part one, I have explained the story, and in the part two, I'm gonna discuss the exercises. Fine. Okay. So children, before starting the chapter, let me tell you one thing that. चिल्ड्रेन इफ़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है मेरी वीडियोज़ ज़रा भी आपको हेल्प करती है आपके स्टडीज़ में देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हट द लाइक बटन फाइन अगर आपको वीडियोज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आपको हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोज़ जितने आप दो भी देखते हो उसे लाइक like कर दिया करो ताकि मुझे ही भी ना इंकरेजमेंट मिल सके और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल करवा सकूँ ताकि आपकी जो स्टडी है वो ईजी हो सके ओके okay? ओके okay. आई होप कि मुझे आप लोग हेल्प करोगे मुझे मोटिवेट करोगे मुझे इनकरेज करोगे फाइन और अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स जो भी आपके बैचमेट्स हैं आप उनको भी शेयर किया करो वीडियो और उनसे भी रिक्वेस्ट किया कीजिए कि मेरे वीडियोज़ को वो लाइक करें एंड देन सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ओके okay. अब हम मूव uh, करते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस नाउ कम टू द पेज नंबर थर्टी सिक्स ऑफ योर रूट्स एंड विंग्स रीड एंड अंडरस्टैंड Children, in question number 8 is given. Answer the following questions orally. Here you have to answer these questions orally. But if you want to write in your notebook, then it will be better. Okay? And you can write it from here. I will show you the answers. अच्छा होगा कि आप अपने notebook में भी इसे note down कर लो क्योंकि आप आपके examinations में इससे भी questions पूछे जाएंगे. आप ये मत सोचना कि orally है तो आप इससे questions नहीं आ सकते. आएंगे. So it will be better कि आपने aap notebook में note down करो आप. मैं आपको show करूंगी अभी question answer. तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो एंड देन जस्ट राइट इट फ्रॉम देयर ऑल राइट ओके और हैव वन मोर थिंग अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के भी ढूंढने होते हैं ना वीडियोस तो आप क्या क्या करो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखा है क्लास थ्री रूट एंड रूट्स एंड विंग्स क्लास फोर्थ रूट एंड रूट्स एंड विंग्स क्लास फिफ्थ रूट्स एंड विंग्स इस तरह से मैंने प्ले क्रिएट किया है जो भी जिस चैप्टर का जिस क्लास का आपको चाहिए होगा आप वहाँ जाकर क्लिक कर लिया करो फाइन ओके okay. ये तो थी छोटी सी इंफॉर्मेशन नॉमोन द क्वेश्चन आंसर See the first question What was the name of the elder brother? Then, can you tell me the name of the elder brother? The name of the elder brother was Voloda, right? The elder brother was named as Voloda, it will be W O, okay? Here, I have by mistake, A, but here it will be W O L O D A, Voloda, all right? Okay, now moving to the next question. वॉट इज दैरेटर एन वी सो मच इन बोलोडा देन योर आंसर विल बी द नैरेटर एन वीट हिज ब्रदर्स हैप्पी लार्ज हार्टेडनेस ओके क्या उसे एन वी करता था देन उसकी जो ब्रदर की जो लार्ज हार्टेडनेस थी ना का वो चीज़ उसे करती थी ओके नॉमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज कर लिया कॉर देन राइट इट फ्रॉम हेअर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड विच डेस्ट डिट बोलोडा इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर ऐसे कौन से थे जिसे वोलोडा अपने फादर की uh, फादर से इनहेरिट किया था और जिसे वो अपने फादर की तरह करता था, था तो वो अपने जो शोल्डर को ना क्या करता था तो जर्क करता था है ना स्टोरी में था ना ये दिया हुआ या देन योर आंसर विल बी वो अगेन हेयर इज अस्टेक हेयर ए ओके डब्ल्यू ओ एल ओ डी ए देन योर आंसर विल बी वोलोडा हैड इनहेरिटेड हिज फादर्स हैबिट ऑफ जर्किंग हिज शोल्डर्स राइट Voloda had inherited his father's habit of jerking his shoulders. Fine? Okay. Done? Now move to the next question. Okay. Now move to the next question. Now coming to the question number B, check the correct option. Say, children. Here, four options are given, and you have to pick the correct one, which is the appropriate one. Alright? Yeah. See the first one. The narrator was option number A, jealous of his elder brother. Option number B, admirer of his brother's behavior. Option number C, a victim of inferiority complex. Option number D, biased against his brother. Then your answer will be option number B, admirer of his brother's behavior. Alright? Then it will be B. Okay. Now, coming to the next one. Voloda was annoyed with the narrator because Option number A, the narrator had told him a lie. Option number B, the narrator had broken his scent bottle. Option number C, the narrator had a fight with him. Option number D, the Voloda had lost a bet against the narrator. Then your answer will be Option number B, the narrator had broken his scent bottle. Okay, that's why he was annoyed. देन ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर ऑल राइट नॉम टू द नेक्स्ट वन सी कम टू द नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेयर यू हैव टू डेफिनेटली राइट इन योर नोटबुक यहाँ तो आपको मस्ट देखना क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन although the two brothers differ differed not much in age why does the younger brother say that he was no comparison for his elder brother give at least two reasons for it आपको पता है ना कि वोलोडा और जो लियो टोल्स्ट थे उनके बीच में ज़्यादा इस डिफरेंस नहीं थी बट फिर भी ये जो लियो है उन्होंने कहा कि उसके जो बड़े भाई एल्डर ब्रदर था वोलोडा उससे उसकी कोई कंपैरिजन नहीं थी कैन यू टेल मी द रीजंस एंड यू हैव टू गिव द टू रीजंस ओके सो लेट मी शो यू द आंसर्स so here is the answer see the see, first question it is and then coming moving to the answer yeah here it is leo tolstoy says that his brother was better than him at everything at lessons in arguments and in manners okay here will be the comma at lessons then comma all right okay leo tolstoy says that his brother was better than him at everything एट लेसेंस इन आर्गूमेंट्स एंड इन मैनर्स दैट्स वाई हे देर वॉज नो कंपेरिजन ओके नॉमिंग टू द नेक्स्ट वन ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू डू यू थिंक वोडा वॉज रियली प्राउड एज हिज यंगर ब्रदर थाउट क्या आपको लगता है कि वलोडा सच में प्राउड ही था जैसा कि उसका यंगर ब्रदर सोचता था उसके बारे में देन योर आंसर विल बी नो वोडा वॉज नॉट एज प्राउड एज लियो थाउट ही वॉज एक्चुअली लार्ज हार्टिड ऐसा नहीं था वोडा जो था वो प्राउड नहीं प्राउडी नहीं था वो मतलब कि घमंडी नहीं था बल्कि वो क्या था वॉज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन ही वॉज वेरी लार्ज हार्टेड पर्सन है ना ओके नाउ मू द नेक्स्ट वन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉट क्वालिटीज ऑफ वलोडा हैव बीन हाईलाइटेड बाई द नरेक्टर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है वलोडा की जिसे यहाँ हाईलाइट किया है किसने नैरेटर कौन है यहाँ हु इज़ द नैरेटर हेयर लियो है ना इज़ टेलिंग हिज स्टोरी ना इज़ टेलिंग अबाउट हिज ब्रदर या इज़ टेलिंग अबाउट हीज़ एंड हिज़ ब्रदर स्टोरी अबाउट हीम एंड हीम एंड हिज ब्रदर स्टोरी ना वो अपने और खुद खुद की और अपने भाई की स्टोरी यहाँ बता रहा है तो हु इज द नैरेटर हेयर लियो टोल स्टॉय योर आंसर विल बी बोलोडा लार्ज हार्टेडनेस एंड हिज कैपेसिटी टू बी जेनरस इन रिलेशनशिप्स आर हाईलाइटेड बाई हिज ब्रदर ऑल राइट या सो दिस वॉज द क्वेश्चन ओके नाम जो द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर हेयर इट इज़ वॉट मेड द नरेक्टर शेड टीयर्स वेन हीज एल्डर ब्रदर आस्ट फॉगिवनेस फॉर हिज बिहेवियर ऐसी कौन सी ऐसा क्या हो गया था कि आ, जब आ, वो जो नायरेक्टर कौन या लियो है उसके आँखों में आंस हो जाता है जब किसने माफ़ी मांगी थी वोलोडा ने माफ़ी मांगी थी गलती थी लियो की बट यहाँ माफ़ी कौन मांग रहा था वोडा तो इसके कारण उसकी आंखों में मांस हो जाता है ना लियो के आंखों में सो वॉट विल बी द आंसर कमिंग टू द आंसर द नरेटर शेड टीयर्स बिकॉज ही रियलाइज दैट द फॉल्ट ले विथ हिम एंड इट वॉज ही एंड नॉट वोलोडाज नॉट वोलोडा हेयर विल बी ए अगेन ओके हु शुड हैव अपोलोजाइज्ड ऑल राइट ओके वीडियो पॉज कर लिया करो आप लिख लिया करो फाइन जहाँ मैंने करेक्शन किया वहाँ करेक्शन भी कर लिया करो बच्चे जैसे बड़ोडा की स्पेलिंग बहुत सारी जगह ना गलती हो गई है बाई मिस्टेक ये वो हो रखा है टाइपिंग में फाइन ओके नो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव हु वॉज़ अ बेटर ह्यूमन बींग द नरेटर और इज एल्डर ब्रदर गिव एट लीस्ट थ्री रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर यहाँ पूछ रहा है कि कौन अच्छा ह्यूमन बींग था कौन एक अच्छा इंसान था डरेटर इट मीन्स लियो और इज एल्डर ब्रदर वोलोडा इन दोनों में से कौन अच्छा था आप जिसे सपोर्ट करते हो जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसके बारे में आपको थ्री रीजन्स भी देने हैं फाइन तो ऑब्वियसली यहाँ वोडा ही बोलोडा वॉज अ बेटर ह्यूमन बींग राइट योर आंसर विल बी दायरेटर्स एल्डर ब्रदर वोलोडा वॉज अ बेटर ह्यूमन बींग बिटवीन द टू मतलब कि दोनों भाइयों में से लियो एंड वोलोडा में से कौन बेटर ह्यूमन बींग था देन योर आंसर विल बी वोलोडा ओके एंड वॉट विल द रीजन एंड यू हैव टू मैंशन द रीजन ऑल्सो ना देन योर रीजन विल बी बिकॉज लियो वल द वन हु बिहेव बैडली ब्रेकिंग द सेंट बॉटल देन डेलिवरेटली किकिंग द टेबल एंड स्मैशिंग ऑल द अदर ऑर्नामेंट्स एंड नॉट एपलोजाइजिंग फॉर एनी ऑफ इट इन He was rude to Voloda. Voloda forgave his brother and apologized, extending a friendly hand to his naughty brother. Okay, these are the reasons. This is the from here it will be the second reason. Okay, it will be the second reason. And here uh, that will be your first reason. Fine. This is your first reason. From here. सॉरी हेर इट इज फर्स्ट रीजन यहां से फर्स्ट रीजन है फाइन समझ आ गई होगी आपको ओके नाउ टू द नेक्स्ट वन कमिंग टू द आंसर नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलती है मैंने स्टोरी में भी बताया था मैं मैंने पार्ट वन में भी बताया है क्या इस स्टोरी का मोरल है है ना तो वही आपका मैसेज हो जाएगा फाइन देन योर आंसर विल बी दिस स्टोरी शोज़ अस टू थिंग्स दैट पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट दैन थिंग्स एंड दैट वी मस्ट लर्न टू वैल्यू रिलेशनशिप्स मतलब हमें ये हमें इस स्टोरी से ये मैसेज मिलती है कि चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है हमारे लिए पर्सन है ह्यूमन बींग है पीपल है लोग हैं ओके एंड वी शुड लर्न टू वैल्यू रिलेशनशिप्स और हमें अपने रिलेशनशिप्स का को वैल्यू देना चाहिए हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझना चाहिए चाहे वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप हो चाहे वो ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप हो चाहे वो फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो आपकी फ्रेंडशिप हो ठीक है सब सारे रिलेशनशिप को आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए यू शुड लर्न टू वैल्यू रिलेशनशिप्स फाइन सो दिस आर द आंसर नंबर सिक्स नाउ कमिंग टू the थिंक एंड आंसर विच क्वालिटी डू यू थिंक इज़ द मोस्ट important इन होल्डिंग टूगेदर a फैमिली गिव reasons फॉर योर आंसर आपको इसमें बताना है कि आपको ऐसी कौन सी क्वालिटी है इस स्टोरी में जो स्टोरी में क्या जो आ, ऐसी भी रियल लाइफ में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिस जो फैमिली को टुगेदर होल्ड कर सके मतलब कि फैमिली को ज्वाइन ज्वाइन रख सके उसे इकट्ठा रख सके और आपको इसके लिए क्या करना यूर टू मैंशन द रीज़न ओके बच्चे ये आंसर तो आपको खुद से करना चाहिए बट स्टिल आई एम शोइंग यू आंसर आई एम गिविंग यू आंसर मैं आपको फिर भी आंसर दे दे रही हूँ ऐसे यहाँ पर आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं आपके आंसर्स कुछ हो सकते हैं हमारे आंसर कुछ हो सकते हैं सबके आंसर्स यहाँ वेरी करेंगे फाइन और इट विल बेटर कि आप यहाँ आंसर खुद से दो बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं आप मैं आपकी हेल्प कर दूँ तो मैं आपको आंसर शो करती हूँ फ़ाइन मैं आपको आंसर दे रही हूँ लेट्स सी ओके हेर इज़ द थिंक एंड आंसर फाइन दिस इज द क्वेश्चन नाउ हेर इज़ योर आंसर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर होल्डिंग अ फैमिली टुगेदर इज लार्ज हार्टेडनेस ओके द कैपेसिटी टू अपोलोजाइज फॉर वंस मिस्टेक्स ऑन द वन हैंड एंड द कैपेसिटी टू फॉरगिव ऑन द अदर अकॉर्डिंग टू मी क्या इंपॉर्टेंट है क्या ऐसी क्वालिटी कौन सी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जो फैमिली को ज्वाइन कर सके टुगेदर रख सके दैट इज काइंड हार्टेडनेस या फिर लार्ज हार्टेडनेस आप बोल सकते हो और फिर ऐसी कैपेसिटी जो क्या कर सके आपको दूसरे की गलती पर माफ़ भी मांग आ, आप अपोलोजाइज कर सको ठीक है पहली तो आपको अपने खुद की गलती को रियलाइज होना चाहिए ओके okay? और तो और दूसरी अगर दूसरी क्या होनी चाहिए कैपेसिटी कि आप दूसरे को माफ़ कर सको ऐसा ना हो कि आप अपने अंदर ना वो कहते हैं ना कि नहीं दुश्मनी भरे रखना अपने अंदर वो नहीं होनी चाहिए आपको माफ़ कर देना चाहिए ओके यू शुड फॉर गिव टू अदर फाइन सो दिस शुड बी द्वाल दिस आर द क्वालिटीज़ विच कैन होल्ड द फैमिली टुगेदर फाइन ऑल राइट now here is the grammar spotlight which I will explain in the discuss in the next video okay that will be the part third mai मैं 3 mein में इसे karungi करूँगी spotlight ko fine को adjectives आपको एबजेक्टिव पढ़ाऊँगी ऐसे मेरे आ, चैनल पर एबजेक्टिवस का वीडियो मैंने बना रखा है आप वहाँ से चेक कर सकते हो वहाँ से पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो ग्रामर के लिए फ़ाइन क्योंकि यहाँ की जो रूट्स एंड विंग्स में उतने अच्छे से मतलब उतनी उतना वास्ट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने वाली हो थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगी और आपको डीपली अगर जानना है तो आप वीडियोज़ को जाकर चेक करो आप और वहाँ से वॉच करो आप ऑल राइट सो चिल्ड्रेन दिस वॉज द चैप्टर दिस वॉर द एक्सरसाइजेज विच वी हैव डन टूडे सो आई होप यू वुड अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल यू वुड अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर वेरी वेल सो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो अगर हेल्पफुल लगा हो देन डू लाइक द डू लाइक द वीडियो एंड देन सब्सक्राइब माई चैनल सो हैव अ गुड डे बाय बाय थैंक यू